हेलो, वेलकम बैक टू stube.com। लोअर पीसीएस मेंस का जो एग्जाम होने वाला है 21 अक्टूबर को, उसकी रिवीजन सीरीज का ये नौवां पार्ट है। इस वीडियो में हम विरामचिह्न के बारे में कवर करेंगे, जो कि हिंदी का एक सेक्शन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विरामचिह्न क्या होते हैं? विरामचिह्न का मतलब होता है जो हमारे भाव हैं, जो विचार हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं, उनको बोलते हैं विरामचिह्न। इसका मतलब क्या होता है? हमें वाक्य में कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है और किस तरीके का चिन्ह हमें कहाँ लगाना है और वाक्य में किस तरीके से अपने भाव को प्रकट करना है, उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं विराम चिन्ह। अब हम अपने जितने भी विराम चिन्ह के प्रकार होते हैं उनको देख लेते हैं। पहला है अल्पविराम। अल्पविराम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमा। इसका अर्थ ये होता है जहाँ वाक्य में थोड़ा रुकना होता है और अधिक वस्तुओं को अलग करना होता है या व्यक्तियों को अलग करना होता है, तो वहाँ पर हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे रोको मत, जाने दो, तो इसका अर्थ क्या होगा कि उसको रोको मत, उसको जाने दो। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा? रोको मत, जाने दो, तो इसमें क्या होने वाला है? उसको रोको, उसको जाने मत दो, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। दूसरा होता है अर्धविराम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन। इसका चिन्ह स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? एक वाक्य या वाक्यांश के साथ साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना होता है। जहाँ पर दो वाक्य होते हैं या दो वाक्यांश होते हैं, उनका किसी दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ हमें संबंध स्थापित करना होता है, तो वहाँ पर हम चिन्ह प्रयोग करते हैं अर्धविराम का। जैसे कि कल रविवार है, आराम मिलेगा। यहाँ पर दो वाक्य अलग अलग हैं, वो आप अपने आप में ही पूर्ण वाक्य हैं, लेकिन इनको अगर हमें एक ही वाक्य में प्रयोग करना है तो उसके बीच में कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, कौन सा चिन्ह यूज़ करेंगे? सेमी कॉलन का, अर्धविराम का। दूसरा एग्जांपल क्या है? काम बंद है, कारोबार ठप है, चारों ओर हाहाकार है। तो इसमें तीन वाक्य हैं जो आप अपने आप में ही पूर्ण हैं, लेकिन उनको एक वाक्य में लिखने के लिए हमने कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया है? अर्धविराम का चिन्ह। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा है हमारा पूर्ण विराम। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारी जो बात है वो पूरी हो जाती है या समाप्त हो जाती है, इसको वहाँ पे हम प्रयोग में लाते हैं पूर्ण विराम। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा लास्ट में? पूर्ण विराम का। राम घर जा रहा है, ये वाक्य अपने आप में एक पूरा वाक्य है, तो यहाँ पर अंत में कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम का। उपविराम, अपूर्ण विराम या न्यून विराम, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉलन। और इसका सिंबल कैसा होता है? ऊपर नीचे दो बिंदी। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कृष्ण के अनेक नाम होते हैं, अगर हमको उन्हें किसी वाक्य में लिखना है तो किस तरीके से लिखा जाएगा? कृष्ण के अनेक नाम हैं, उसके बाद हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? कॉलन का। अब उसका मतलब है उपविराम का चिन्ह हम प्रयोग में लाएंगे, उसके बाद कृष्ण के जितने भी नाम होते हैं उनको नाम हम लिख देंगे, जैसे कि मदन, काना, कन्हैया। पांचवा प्रकार है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका सिंबल कैसा होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन, एक डंडा, उसके नीचे बिंदी। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें खुशी दिखानी हो, दुख व्यक्त करना हो, कोई विस्मय हो, कोई घृणा हो या कोई आश्चर्य वाली बात हो, जैसे कि वाह आपने कमाल कर दिया, तो वाह के बाद क्या आएगा? एक एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। हाय बेचारा मारा गया, यहाँ पे एक दुख वाली बात कही गई है, तो यहाँ पे हाय के बाद क्या आएगा? एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। छठा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो बहुत कॉमन है, यहाँ पर भी किसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे हम लास्ट में कौन से चिन्ह प्रयोग में लाते हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो इसमें क्या जो है वो एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसके अंत में कौन सा चिन्ह आएगा? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आने वाला है। फिर बात करते हैं कोष्टक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट। ये तीन तरीके के होते हैं सिंबल्स में। इसका अर्थ क्या होता है? वाक्य के बीच में जब हम कोई शब्द लिखते हैं या कोई पद लिखते हैं तो उसका अर्थ अगर हमें समझाना है तो वहाँ पे हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, कौन सा चिन्ह लगाते हैं? कोष्टक। जैसे कि लता जी, लता मंगेशकर जी भारत की कोकिला हैं, तो कोकिला का अर्थ अगर हमें समझाना है तो कोकिला के बाद हम कोष्टक में क्या लिखेंगे? मीठा गाने वाली। क्या लिखेंगे? मीठा गाने वाली। तुम मूक क्यों हो? अब किसी को हमें मूक का मतलब समझाना है, मूक का अर्थ समझाना है, तो मूक के जो अर्थ होते हैं वो ब्रैकेट में कोष्टक में लिख देंगे, जैसे कि मौन या चुप, जिससे पढ़ने वाले को आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। एक छोटा डैश टाइप से होता है, छोटा सिंबल होता है। ये क्यों यूज में किया जाता है? दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि
रात दिन मेहनत करने से सफलता मिलती है। तो रात दिन के बीच में कौन सा सिंबल आएगा? डैश का, हाइफन का। कौन सा? हाइफन का। और डैश जो होता है, प्रॉपर डैश जो होता है, वो हाइफन से साइज में थोड़ा बड़ा होता है। दूसरा एग्जांपल, सुख दुख तो चलता रहेगा। सुख दुख क्या है? इन ये अलग अलग दो शब्द हैं, इनमें संबंध स्थापित करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? योजक चिन्ह का। फिर होता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इसका अर्थ क्या होता है? जो किसी बड़े साहित्यकार या किसी इतिहासकार ने किसी कोई बात कही है तो उसको उसी तरीके से प्रकट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। जैसे राम ने कहा है सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, ये एक ऐसी वाक्य ऐसी ऐसा वाक्य है जो हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो इसको हम किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में। किसने ने कहा है? कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो ये जो वाक्य है इनका गीता का है, तो इसको हम हमेशा उसी तरीके से प्रयोग करते हैं जब और कहीं भी हमें प्रयोग में लाना होगा। तो कर्म करने से पहले हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और करो के बाद इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, उसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। लाघव चिन्ह क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीविएशन। आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर लिखना है तो DOCTOR की जगह हम DR लिख के डॉट लगा देते हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी डॉक्टर लिखने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए डॉक्टर के आगे एक बिंदी लगा देते हैं, एक गोला लगा देते हैं छोटा सा। फिर जैसे कि प्रोफेसर अगर हमें लिखना है शॉर्ट में तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? प्रो लिख के उसके बाद बिंदी लगा देते हैं। और पंडित अगर हमें लिखना है तो पंडित के बाद भी इसी तरीके से लाघव चिन्ह का उपयोग करते हुए लिख देंगे। तो ये हम क्यों यूज़ में लाते हैं? अगर कोई प्रसिद्ध शब्द है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए। फिर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का सिंबल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसका संज्ञा से एग्जांपल है संज्ञा के पांच भेद है। अगर हम संज्ञा के पांच भेद के बारे में बताना है तो कौन सा चिन्ह यूज़ करेंगे उसके बाद में? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के बाद संज्ञा के जितने पाँच भेद होते हैं उनको 1, 2, 3, 4, 5 करके लिख दिया जाएगा। फिर 12वां है निर्देशक चिन्ह। ये हमारा योजक से थोड़ा बड़ा होता है, योजक साइन जो है ऊपर उससे साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? व्याख्या करने में, निर्देश देने में और संवाद लेखन के लिए। जैसे कि कोई राइटर अगर कोई कहानी लिख रहा है तो उसमें जितने भी करेक्टर्स होते हैं तो उनके नाम के आगे जो सिंबल यूज़ किया जाता है जब वो अपनी कोई बात कह रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं? निर्देशक चिन्ह। और इसका मोस्टली प्रयोग कहाँ किया जाता है? एकांकी में। फिर 13वां है, एक एग्जाम में आया था रिसेंटली, त्रुटिपद, काकपद या हंसपद। इसका अर्थ क्या होता है? जब हम कोई वाक्य लिखते हैं अगर उसमें कोई शब्द छूट जाता है तो उसको उसी जगह पर लिखने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? त्रुटिपद का, काकपद का, हंसपद का। जैसे कि राम ने मुझे घर बुलाया, अगर मैं उसमें अपने घर अपने अगर उसमें छूट जाता है तो अपने को लिखने के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज़ करेंगे? त्रुटिपद का, काकपद का, हंसपद का। फिर है तुल्यता सूचक चिन्ह। इसमें दो शब्दों के बीच में तुलना व्यक्त करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? तुल्यता सूचक, इक्वल टू। फिर है लोप विराम, वर्जन या चिन्ह, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्सिस। क्या बोलते हैं? एलिप्सिस। हिंदी में बोलते हैं लोप विराम या वर्जन चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कोई स्टोरी देख रहे होते हैं या कोई सीरियल देख रहे होते हैं तो उसके एंड में क्या लिख के आता है? टू बी कंटिन्यूड, उसके बाद 3 डॉट लगे होते हैं, तो वो कौन सा चिन्ह होता है? लोप विराम या वर्जन चिन्ह। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।